हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर यू हैप्पी? सो यू शुड बी हैप्पी। आई एम शर्मा सर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑनलाइन थ्रू दिस वीडियो। So let's start this video and we shall solve the second exercise from the third chapter of class 8 English grammar. So let's start exercise 2. Underline the phrases in the and write the kind of each। कह रहा है कि जो फ्रेज हैं इसमें इनको अंडरलाइन कर देना है हमको और इनके काइंड्स लिखने हैं, इनके प्रकार लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, माई बुक्स हैव बीन स्टोलेन, तो क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज माई बुक्स, और क्या हो जाएगा? ये यन लिख रहा हूँ और मैं साठ में किताब ख़राब हो जाएगी, इसलिए एन पी यानी नाउन फ्रेज। क्या है ये? नाउन फ्रेज। दूसरा देखिए, ही इज़ अ वेरी रिच मैन, तो देखिए ए वेरी रिच मैन, ये भी क्या हो जाएगा? ए वेरी रिच, रिच रिच रिचेस्ट, आप तो पढ़े ही होंगे, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, बस एडजेक्टिव ही होता है एडजेक्टिव फ्रेज में। तो अ वेरी रिच मैन, तो ए वेरी रिच मैन को क्या हो जाता है? रिचर बोलते हैं, रिच रिच रिचेस्ट। तो यहाँ पर अ वेरी रिच मैन क्या हो जाएगा? ए डी जे एडजेक्टिव और पी में लिखता हूँ यानी शॉर्ट में एडजेक्टिव फ्रेज। आप लोग कंप्लीट लिखिएगा क्योंकि किताब भी उसको ख़राब हो जाएगी ना। थर्ड देखिए, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो देखिए क्या हो जाएगा? वेरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, और जाहिर है ये भी एडजेक्टिव ही होगा, ये भी एडजेक्टिव ही होगा। सम बॉयज़ केम टू शी मी, सम बॉयज़ केम टू शी मी, तो यहाँ पर देखिए कुछ लड़के नाउन फ्रेज है, सम बॉयज़ नाउन फ्रेज। ए कार हैज़ फोर व्हील्स, तो क्या हो जाएगा? ए कार, क्या हो जाएगा? ए कार, हाँ नाउन फ्रेज। वैसे का वैसे देखिए, मैंने यहाँ पर अब डैश दे दिया है, समझ जाइएगा आप लोग। यू हैव डन इट वेरी स्किलफुली, अब यहाँ पर देखिए वेरी स्किलफुली, तो वेरी स्किलफुली का हो जाएगा एडवर्बल फ्रेज हो जाएगा। एडवर्बल फ्रेज फ्रेज हो जाएगा, ठीक है ना। और इट वाज वेरी टेस्टी, तो ये क्या हो जाएगा? वेरी टेस्टी एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी टेस्टी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सी बॉट सम टॉयज, क्या हो जाएगा? सम टॉयज नाउन फ्रेज हो जाएगा। द ओल्ड वूमेन स्टार्टेड वीपिंग, तो द ओल्ड वूमेन ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा।
लिखने में मजा आएगा, बहुत स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा है किताब ना खराब हो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर देख लीजिए, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। पहला देखिए नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और फिर ये थर्ड भी एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ नाउन फ्रेज, फिफ्थ नाउन फ्रेज, सिक्स एडवर्बल फ्रेज, और सेवन्थ एडजेक्टिव फ्रेज, एट्थ एडजेक्टिव फ्रेज, नाइन्थ नाउन फ्रेज, और टेंथ भी जो है वो नाउन फ्रेज ही है। तो ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इसके बाद से हम क्लास के विषय में पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।